ये क्रॉलरी हमने करनी है। क्रॉलरी क्या है कि अगर आपका साइक्लिक ग्रुप इस फॉर्म का है तो वो इसके आइसोमॉर्फिक होगा। ये साइक्लिक ग्रुप जो है, यानी कि इसका जो इंडेक्स है, अगर वो कुछ नंबरों का प्रोडक्ट प्रोडक्ट है, जैसे G24 है। 24 देखें किस किस नंबर का प्रोडक्ट है। हमारा नंबर जो है, अब ये जो इधर M है, ZM में जो M है वो इन नंबर्स का प्रोडक्ट है, N1 N2 NK। तो फिर ZM किसके आइसोमॉर्फिक होगा, ZN1 डायरेक्ट सम ZN2 डायरेक्ट सम ZNK, इफ एंड ओनली इफ। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर ये वाले जो नंबर्स हैं N1 N2 NK, ये आपस में रिलेटिवली प्राइम है, यानी इनका कॉमन डिवाइजर सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा कोई और नंबर ना हो। अब जैसे अब इस कॉलरी की एप्लीकेशन देखें। फॉर एग्जांपल आपके पास ये, पहले आप सिंपल एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये ग्रुप है Z2 डायरेक्ट सम Z3। अब इसमें ये 2 और 3, इन ये दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम है, इनका GCD 1 है। तो इट मींस आप ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z6 के। तब आप इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, या फिर अगर 6 है तो आप इसको ऐसे दो पार्ट्स में सेपरेट कर सकते हैं जो रिलेटिवली प्राइम है। यानी आप Z6 को Z2 डायरेक्ट सम Z3 इस वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर ये लिखा हो तो इसको आप इस वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर रिलेटिवली प्राइम ना हो तो फिर आप उनको कंबाइन नहीं कर सकते सबस्क्रिप्ट को। जैसे Z2 और Z2 है, ये Z4 के आइसोमॉर्फिक नहीं है। 2 और 2 का प्रोडक्ट 4 हम नहीं ले सकते क्योंकि ये आपस में रिलेटिवली प्राइम नहीं है। ठीक है, इसी तरह से जैसे इतना पार्ट अगर आप देखें, 2 और 3 रिलेटिवली प्राइम है। तो ये जो ग्रुप है इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, Z2 डायरेक्ट सम Z2 Z3 की जगह पर मैं Z6 लिख सकती हूँ डायरेक्ट सम Z5। ठीक है, ये जो है, ये वाला जो ग्रुप है, अब ये इसके आइसोमॉर्फिक हो गया बाय अबव प्रॉपर। इसके अलावा ये देखें, ये जो है 2 नंबर्स, ये भी रिलेटिवली प्राइम है। तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके मैं Z15 लिख सकती हूँ, और साथ ये वैसे ही आ जाएंगे, Z2 डायरेक्ट सम Z15। तो ये आपस में, ये ग्रुप जो है ये इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। इसी तरह से ये देखें आप, ये इन तीनों का GCD भी 1 है, आपस में से कोई से भी 2 है, इन तीनों को भी आप कंबाइन कर सकते हैं। तीनों को कंबाइन करने से क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा, और साथ Z2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 2 और 30 कंबाइन नहीं हो सकते क्योंकि इन दोनों का GCD 1 नहीं है। तो आपने वो वाले ये नंबर्स जो है कंबाइन करने हैं जिनका GCD 1 है, उनको आप कंबाइन कर सकते हो, वरना आप कंबाइन नहीं कर सकते। जैसे Z2 और Z6, ये दोनों कंबाइन नहीं हो सकते। ठीक है, Z2 Z6 Z12 के आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। हाँ, Z6 Z5 ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं, ये दोनों कंबाइन होकर Z30 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 30। ठीक है, 2 और 30 को कंबाइन नहीं कर सकते। यानी इसी ग्रुप को, ये देखें अब इस एग्जांपल में क्या क्या हुआ, इसी ग्रुप को मॉडिफाई करके इसके आइसोमॉर्फिक को ले आए। और यही वाला ग्रुप ये है, इसमें इन्होंने अब क्या किया है, इधर तो इन दोनों को कंबाइन किया था, इसमें इन्होंने पहले स्टेप पे इसी को कंबाइन किया, इन दोनों को, यही चीज़ आ गई, ये सेम आ रहा है। लेकिन अगले स्टेप में Z6 को किस तरह सेपरेट किया, Z3 Z2, पहले Z2 Z3 था, अब Z3 Z2 इसको लिख सकते हैं, ताकि 5 और 2 को कंबाइन करें तो Z10 आ जाए। इधर 3 और 2 कंबाइन होकर Z6 बन जाएगा। तो ये देखें, दोनों ग्रुप आपस में आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, क्योंकि इनकी लेफ्ट साइड आइसोमॉर्फिक है तो राइट साइड भी आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। इसके अलावा क्या रिजल्ट मजीद हम लिख सकते हैं, जैसे Z2 डायरेक्ट सम Z4 है,
ये एक्सोमॉर्फिक होगा अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, यानी कि ऑर्डरिंग चेंज कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों एक्सोमॉर्फिक हैं, क्योंकि इनमें देखिए हम मैप आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, ए बी को किस पर मैप करेंगे, बी ए पर। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन मैप होता है ये एक्सोमॉर्फिज्म ही होती है और होमोमॉर्फिज्म भी होती है। तो इस यानी कि अगर आपके पास ये ग्रुप है और दूसरा ग्रुप ये है, तो ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। आप शो भी कर सकते हैं आइसोमॉर्फिक, कैसे आप मैप डिफाइन कर दें, कैसे करें, एच के इसका एलिमेंट है, इस पर एफ अप्लाई करें तो कौन सा आप आंसर इसका लिखें, के एच। जब आप के एच लिख देंगे यानी जगह चेंज हुई है, तो वो इसका एलिमेंट बन जाएगा। अब आप शो कर सकते हैं कि ये जो मैप है होमोमॉर्फिज्म भी है, इसको बाइजेक्टिव भी शो कर सकते हैं ऑन टू ये, तो ये आइसोमॉर्फिज्म। इसके अलावा कोई सा भी ग्रुप है, अगर आप उसका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट आइडेंटिटी के साथ देंगे, तो फिर वो अपने आप के साथ ही आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। इन दोनों को भी आप आइसोमॉर्फिक प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप ये जुबानी याद रखें, आपका जो है एग्जाम वो एमसीक्यू टाइप है। ठीक है, एमसीक्यू टाइप ना होता हम इसका प्रूफ भी करते। दो ग्रुप्स को आइसोमॉर्फिक कैसे शो करते हैं, आप इधर से इधर मैप डिफाइन कर दें या इधर से इधर मैप डिफाइन कर दें, किस तरह से इसका एक एलिमेंट लें, उसको किस पर मैप करेंगे, ऑब्वियसली कि इसका एलिमेंट आ जाए तो नजर आ ही रहा है वो एलिमेंट एच। अब इस मैप को आप शो भी कर सकते हैं, ये होमोमॉर्फिज्म है, वन वन है, ऑन टू है, तो ये इसलिए ये दोनों ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक, ये रीजन है। इसके अलावा कंप्लीट इसमें कुछ नहीं किया, बस शॉर्ट शॉर्ट हमने चीजें की हैं, ये आपको आने चाहिए। पीछे एग्जांपल हमने की थी, और साइक्लिक सब ग्रुप्स गिवन ऑर्डर के कैसे काउंट करते हैं, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 10। तो इसके लिए ऑर्डर 10 के एलिमेंट्स पहले निकालेंगे ना, कितने होंगे, जितने ऑर्डर 10 के एलिमेंट्स होंगे वो मैक्सिमम उतने बनेंगे या उससे कम बनेंगे हमारे पास। ठीक है, ऑर्डर 10 के एलिमेंट्स निकालने कौन कौन से हैं, वहां से आपके पास नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स आ जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने एलिमेंट्स काउंट किए हैं ऊपर ऑर्डर 10 के, उसके बाद उन्होंने निकाला कि डिफरेंट कितने बनेंगे। जब 10 एलिमेंट्स के ऑर्डर 10 के कितने एलिमेंट्स उन्हें मिले हैं, 24। इसका मतलब ये नहीं ऑर्डर 10 के 24 ही साइक्लिक सब ग्रुप मिल जाएंगे, एलिमेंट्स तो ऑर्डर 10 के तो 24 हैं, लेकिन साइक्लिक सब ग्रुप ऑर्डर 10 के कितने हैं। आगे उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ, कैसे, ईच साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 हैज 4 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10। साइक्लिक सब ग्रुप जिसका ऑर्डर 10 होगा उसमें उसके कितने जनरेटर होंगे, 5 of 10 जनरेटर होंगे ना, और 5 of 10 की वैल्यू कितनी होती है, 4। तो इसके हर साइक्लिक ग्रुप में जो 4 जनरेटर होंगे वो जनरेटर्स का ऑर्डर भी 10 ही होगा ना। तो एक जब भी आप एक एलिमेंट से ग्रुप जनरेट करते हैं जिसका ऑर्डर 10 हो, तो उसी ग्रुप के अंदर ऑर्डर 10 के 4 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, उनमें से एक तो ये इटसेल्फ ही है। इनके 4 4 के ग्रुप्स में अपीयर हो रहे हैं, तो टोटल कितनी उनकी कलेक्शन हो जाएगी, 6 साइक्लिक सब ग्रुप्स बनेंगे। एक साइक्लिक ग्रुप में 4 आ गए, अगले में 4 आ गए, तो टोटल कितने मैक्सिमम 4 4 के साइक्लिक ग्रुप्स को आप कितने सब ग्रुप्स के अंदर शामिल कर सकते हैं, 6 साइक्लिक सब ग्रुप्स के अंदर। ऑब्वियसली ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उसमें तो नहीं आएगा, एमसीक्यू में इतना मुश्किल नहीं आएगा 10 के साथ, लेकिन सिंपल वर्ड्स के साथ आ सकता है जो उसको आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकें, इससे मिलता जुलता। इसके अलावा ये एग्जांपल हमने पहले कर ली थी, ये आने चाहिए आपको कि कोई एलिमेंट गिवन हो तो इस फार्मूले को लगाते हुए ऑर्डर कैसे निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट 2 4 है गिवन हो इस साइक्लिक ग्रुप में, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका ऑर्डर क्या है और इसका इनवर्स क्या है। ठीक है, और इसके कोई से भी दो एलिमेंट जैसे 2 4 और 1 3 है, उनको ऑपरेट करें तो क्या आंसर आएगा, ये आपको 1 मिनट के अंदर इन चीजों को सॉल्व करना आना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस करें, ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए ना ऑब्वियसली, सिर्फ पढ़ के या एक क्वेश्चन करके गुजारा नहीं, एमसीक्यूज में टाइम फिक्स है, आप ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप शॉर्ट टाइमिंग में ये सब कुछ कर सकें।
बस इतना ही करना है, आप मेरी चीजें तैयार करें इसकी, आपको चीजें आनी चाहिए जितनी हमने करवाई है। पूरा चैप्टर तो नहीं, आपको किसी ने करवाया होगा, टॉपिक हमने किए हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आइसोमॉर्फिक है, इसके आपको जुबानी पता होना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि 3 और 9 जो है रिलेटिवली प्राइम नहीं है इसमें। ये इसके आइसोमॉर्फिक है, यस, क्योंकि ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है, इन दोनों को हम कंबाइन करके 0 3 आ जाएगा। ये देखें इसके ऑर्डर 2 के आप कितने सब ग्रुप बना सकते हैं, और इसी के इस तरह से कोई और है जैसे ये है, इसमें ऑर्डर 3 के आप कितने सब ग्रुप बना सकते हैं। मिलते जुलते मतलब एक क्वेश्चन आपने कर लिया, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी करें। Z5 डायरेक्शन Z3 में ऑर्डर 5 के कितने सब ग्रुप बना सकते हैं आप, इस तरह से एक दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ताकि आपकी स्पीड भी बने। स्पीड तो तभी बनती है ना जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन करें सॉल्व, इतना पार्टी करने ही काफ़ी है, ठीक है, बस यही चीज़ आपको आनी चाहिए, दिक्कत कोई नहीं।